तो अभी जो है मैं आ गया हूँ सिद्धपुर जंगल, और ये पूरा जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। और फॉरेस्ट एरिया में जो यहाँ के संत रहते हैं गुफाओं में, वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। हालांकि काफ़ी ऊपर चढ़ाई है, और जहाँ पे गुफा है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये है एक पहले छोटा सा जो है यहाँ पर, ये स्थान देख रहे हैं जहाँ पर लोग अभी गैदरिंग कर रहे हैं, और वो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो यहाँ से लोग आते हैं, काफ़ी अंदर है ये। आने पर आपको जो है कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपको ये अंदर आना होगा, और गणेश बाग से 2.5-3 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं, ये हैं, सीढ़ियों पे आपको चढ़ना पड़ेगा, और जो गुफा है वो वहाँ पर है। तो जहाँ तक का मैं लेकर चल पा रहा हूँ आपको, वो लेकर के चलता हूँ, और कोशिश करूँगा कि गुफा तक लेकर जाऊँ। लेकिन अगर नहीं जा पाया तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको वहाँ लेकर के जाऊँगा। ये जो पूरा है ये फॉरेस्ट एरिया है चित्रकूट का, और चढ़ाई अभी से शुरू हो गई है। मैं सिद्धपुर जंगल आ चुका हूँ। ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा, और यहाँ पर एक बहुत बड़े संत रहते हैं, और ये जो महाराज जी हैं ये काफ़ी शहर से हट करके यहाँ पर हैं। यहाँ पर थोड़े से जो है वो वाइल्ड एनिमल जो है वो यहाँ पर रहते हैं। इस बात मैं लगभग जो बाकी सिद्ध जंगल है जो जयराम जी महाराज का, लगभग पहुंचने वाला हूँ। और ये सामने आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ है बाके सिद्ध जय सियाराम। तो अगर मुझे दर्शन हो जाएंगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत ऊंचाई पर है, आप देख रहे हैं कि कितनी ऊपर इस समय मैं आ गया हूँ, और बस श्रद्धा है कि दर्शन हो जाए वो से जो सिद्ध पुरुष है। तो मैं अभी सिद्ध धाम में हूँ बाबा है, और ये गुफा है पूरी, ये भी बाबा महाराज। मैं हूँ सिद्ध धाम में, और मेरे सामने जो है वो महाराज जी बैठे हुए हैं इधर, और करीबन जो है ये काफी ऊंचाई पर है। ये गुफा है यहाँ की, और इस गुफा में जो ये सिद्ध पुरुष है ये पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ से जो है आप चित्रकूट के जो जंगल हैं उन्हें देख सकते हैं। इस तरह की जो गुफाएं भी हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, और मेन जो गुफा है वो वहाँ पर है अंदर काफ़ी दूर तक। और ये ऊपर लिखा हुआ है बाके सिद्ध जय माई की, ये धाम है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको शहर से लगभग 5 किलोमीटर अंदर आना है, और पैदल आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक जो है कोई गाड़ी नहीं चलती है, ना ही बैटरी रिक्शा चलता है, और कई सारे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग जो है वो नीचे से आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोगों की गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये खड़ी है गाड़ी यहाँ पर, और यहाँ से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं इनके हमारे दर्शन हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि दर्शन के पश्चात हम यहाँ से वापस चलेंगे, और ऊपर अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये स्थान पर मैं पहुंच रहा हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है ये, और इसके ऊपर भी इधर से रास्ता है काफी ऊपर तक। तो इस समय मैं हूँ बाके सिद्ध धाम में, और ऊपर भी कोशिश करेंगे चलने की। ये पूरा देख रहा पहाड़ है, नीचे अंदर जो है ये गुफा है काफी दूर तक। आप यहाँ पे अंधेरा भी है, और अंदर भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं।
और इसके ऊपर भी जो है तपस्या लोग कर रहे हैं। सिद्धाम यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ चित्रकूट ऐसे दिखाई देता है। और इसके ऊपर भी रास्ता है काफ़ी दूर तक जो है आप जाएं, जो यहाँ के संत हैं वो यहीं पे पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। एक ही ऊपर कुटिया है। और अब यहाँ से मैं वापस चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है ये। और अगर आप में से कोई भी आना चाहते हैं इस स्थान पर तो आ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। तो अभी चलते हैं नीचे और जो जानकारी है फिर वो आपसे वन बाय वन करके शेयर करते हैं।